Assalamu alaikum. My name is Muhammad Saqib Munir and I'm the presenter of APS Education Platform. In this short audio, I will tell you what is bereavement. हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे हादसात और सानहात होते हैं जब हम शदीद गम का शिकार हो जाते हैं. बिरेवमेंट भी उस स्टेट ऑफ माइंड का नाम है जब कोई इंसान अपने बहुत करीबी अज़ीज़ रिश्तेदार या अहबाब चाहने वाले के जाने नुकसान पर मलाल की कैफियत में वो मुब्तला हो जाता है. ये जानी नुकसान उसके किसी फैमिली मेंबर, क्लोज रिलेटिव या वेलविशर का हो सकता है. बिरेवमेंट के सिम्टम्स में लॉस ऑफ हंगर, कामों में अदम दिलचस्पी, नींद का ख़राब होना, मिजाज में उतार चढ़ाव या चिड़चिड़ापन वगैरह पाए जाते हैं. बिरेव इंसान के लिए वो काम जिनमें वो दिलचस्पी लेता था बेमानी हो जाते हैं. वो सोशल गैदरिंग्स, मीटिंग्स जिसमें जाना वो पसंद किया करता था, सब बेसूद हो जाती हैं. तहकीक से साबित हुआ है कि कोरोना वायरस से हलाक होने वाले लोगों के प्यारे और अजीज़ अकारब भी बिरेवमेंट का बुरी तरह शिकार हो जाते हैं और अंजुअलम की इस शदीद कैफियत से उनका इम्यून सिस्टम मुतासर हो जाता है, जिससे वो ख़ुद भी COVID-19 जैसे मौलिक वायरस की लपेट में आ जाते हैं या आने के उनके चांसेस मज़ीद बढ़ जाते हैं. याद रहे, इस बिरेवमेंट से मुतासर शुदा इंसान को ज़हनी दबाव से निकालने के लिए किसी अपने की ज़रूरत होती है, वो जो उसे गिल्ट फीलिंग से निकाल कर ख़ुद पर एतमाद करना सिखाए, जिसके सामने वो अपना दुख गम एक्सप्रेस करे, शेयर करे, क्योंकि दुख सुख शेयर करना एक इंसान की नेचुरल नीड होती है. इंशाल्लाह आई विल कम विद मोर ऑडियोज़ एंड वीडियोज़. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल FAPS Education. टिल देन अल्लाह हाफिज़.